मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव सिर पर है। अगले महीने यानी दिसंबर की 5 तारीख को यहां वोट पड़ने हैं, लिहाजा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का प्रचार भी अब तेज हो गया है। अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ पत्नी डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। वो हर गली हर मोहल्ले में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और उनकी पीड़ा सुन रहे हैं। इसके साथ ही वो समाज के हर तबके को अपने साथ लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान दिवस है, ऐसे में अखिलेश यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रशंसकों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब का लिखा संविधान और नौकरियां दोनों खत्म करने पर तुली हुई है। आपको सम्मान नहीं मिलेगा, इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उस संविधान को खत्म करने का रास्ता खोल दिया। ये संविधान खत्म कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं। इतने बेरोजगार नौजवान गांव में कभी नहीं घूमते थे जितने आजकल नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी फरकाबाद में भर्ती की फौज थी, 1,26,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे थे, 2,000 लड़कों को भी नौकरी नहीं मिली, 2,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। हो सकता है यहाँ के नौजवान गए हो भर्ती देखने, भर्ती नहीं मिल पाई, घर वापिस आ गए। और ये भर्ती जो अग्निवीर वाली है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने किसानों को भी अपने पाले में लाने के लिए उन्हें अपनी सरकार के फैसलों को याद दिलवाया। उन्होंने कहा कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ही किसानों का 10,000 रुपए तक का कर्ज माफ किया था, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वैसे तो नेताजी के बारे में सब लोग जानते हैं। मुझे याद है कि नेताजी ने जब भी सरकार में आए बड़े बड़े फैसले लिए। हमारे पुराने लोग जानते होंगे जिस समय नेताजी पहली बार सरकार में आए थे 10,000 तक का कर्जा माफ किया था। हो सकता है आज महसूस न होता हो 10,000 रुपया क्या है, लेकिन उस समय गरीब के लिए 10,000 भी बहुत बड़ी कीमत थी। आज से 30 साल पहले सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज अगर किसी ने माफ किया था तो वो नेताजी थे जिन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। अखिलेश यादव के अलावा खुद डिंपल यादव भी जोर शोर से चुनाव प्रचार अभियान में लगी हुई हैं। डिंपल यादव लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर जनसंपर्क कर रही हैं। बाबा साहब की प्रतिमा पर हाथ जोड़ते हुए डिंपल ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद किया। इसके अलावा वो लगातार घर घर पहुंचकर माताओं बहनों से मिल रही हैं और नारी शक्ति को लेकर उन्हें एक बड़ा संदेश दे रही हैं। डिंपल यादव ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि मैनपुरी नेताजी मुलायम सिंह यादव के दिल में बसती थी, मैनपुरी नेताजी के हृदय में बसती थी। यहाँ के लोग और उन्होंने कोशिश करी कि वो ज्यादा से ज्यादा साथ देके आगे बढ़े हैं, सबका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैनपुरी की जनता आने वाले चुनाव में, जो चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, जो नेताजी का चुनाव है। और कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि मैनपुरी उपचुनाव सपा के लिए इस वक्त सबसे अहम कड़ी है, जिसे फतह करना एक चुनौती भी है और बेहद जरूरी भी। डेस्क रिपोर्ट, दी भारत टीवी।